Hi guys, welcome to lecture number 16 on standard costing. हमारे standard costing के दो lecture हो चुके हैं, material and labour. Now obviously तुम्हारी cost sheet के हिसाब से this is the third thing that is there, that is factory overheads. उसके अंदर से आज हम लोग एक छोटा सा part ही बस वो revise कर रहे हैं, that is variable factory overheads. Okay, and this is almost last चीज जो आपके material और labour से मिलता जुलता है. इसके बाद the things will be changing. So first of all, variable factory overheads are dependent upon output. Output means equivalent output. For getting equivalent output, make statement of equivalent output. ये दो line same ही है, third line भी same ही है. We always make revised standard for actual output. ठीक है. Now before we discuss the format, जो हम लोगों ने हर question के ना वो draft किया है, एक छोटा सा चीज. Variable factory overheads means some expense like electricity. इलेक्ट्रिसिटी कब लगता है? जब वर्कर काम करता है, तो वर्कर के आर्स ही यहाँ पर आएंगे. ठीक है. तो गिवन स्टैंडर्ड इज फॉर दिस लेवल ऑफ आउटपुट, उसके लिए कितना आर्स लगना चाहिए, ये लेबर से ही कॉपी हो जाएगा. इलेक्ट्रिसिटी का रेट पर आर, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा कितना होना चाहिए. इन रियलिटी आउटपुट कितना आया, इलेक्ट्रिसिटी का आर्स कितना लगना चाहिए था. तो गिवन स्टैंडर्ड के हिसाब से रिवाइज स्टैंडर्ड बना लीजिए, रेट पर आर, उसके बाद अमाउंट. याद रखना वर्कर्स का आर्स इधर कॉपी नहीं होता, क्योंकि वर्कर्स का आप अपना पिछला लेक्चर जरा चेक करना, वहाँ पे आता है आर्स पेड फॉर, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाता है, आर्स वर्कड. क्या आ जाता है, आर्स वर्कड इनटू रेट. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अमाउंट. ठीक है. तो वो एक चीज़ फ़र्क रखना, लेबर के फॉर्मेट से ये आर्स कॉपी हो जाएगा, ये कॉपी हो जाएगा, ये वाला आर्स कभी कॉपी नहीं होएगा. ठीक है. चलिए आगे, यहाँ पर तीन वेरिएंसेस ये आते हैं विच आर वेरी सिंपल. टोटल वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स कॉस्ट वेरिएंस, इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना होना चाहिए था, कितना हो गया. ठीक है. फर्स्ट वाला वेरिएंस मैंने वो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, टोटल वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स कॉस्ट माइनस एक्चुअल वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट. ठीक है. सेकेंड, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, दिस इज सिमिलर टू योर रेट वेरिएंस. तो बॉस ये कैलकुलेट कैसे होगा, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आर्स वर्कड. मैंने वही वाला चीज़ यहाँ पर भी लिखा हुआ है. थर्ड इज योर एफिशिएंसी वेरिएंस, दैट इज स्टैंडर्ड आर्स माइनस एक्चुअल आर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट. यही वाला तीन चीज़ मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड आर्स माइनस एक्चुअल आर्स, ऑब्वियसली आर्स मतलब आर्स वर्कड इनटू स्टैंडर्ड रेट. ठीक है. नाउ एक छोटा सा चीज़ बस, अगर कभी आपको ऐसा लिखा हुआ है ना वेरिएबल ओवरहेड्स और इसके ऊपर लेबर भी लिखा हुआ है, सपोज वन यूनिट शुड टेक 10 आवर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 5, तो लेबर कॉस्ट कितने रुपीज का आना चाहिए, 50. ठीक है. वेरिएबल ओवरहेड्स 10 आवर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 3, तो ये कितना आ जाना चाहिए, 30. अगर ऐसा लिखा होगा ना, इट इज़ अ हिंट फॉर यू दैट इंस्टीट्यूट वांट्स यू इन द फॉर्मेट टू पुट आर्स आल्सो एंड रेट पर आर आल्सो. ठीक है. तो आप लोग यहाँ पे 10 आर्स अपने फॉर्मेट के अंदर लिख सकते हो एट द रेट ऑफ 3. लेकिन सपोज अगर सम ऐसा होगा ना कि आप लोग को डेटा ऐसे दिया रहेगा, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग आप लोग ये वाला चीज़ मिसिंग फिगर के तौर पर भी निकाल सकते हो. 10 आर्स इधर से कॉपी कर देना, एट द रेट ऑफ बैलेंसिंग फिगर 3 हो जाएगा. लेकिन इंस्टीट्यूट क्या बोलता है, वो वाला काम तब मत करो. अगर ऐसा दिया ना, मतलब वेरिएबल ओवरहेड्स आर नो लॉन्गर डिपेंडेंट अपॉन आर्स. ठीक है. तो ऐसे केसेस के ना आप लोग सिर्फ अमाउंट ही निकाल लेना और कुछ नहीं. ठीक है. तो गिवन स्टैंडर्ड रिवाइज स्टैंडर्ड एक्चुअल, सिर्फ अमाउंट ही निकाल लेना कि एक यूनिट के लिए कितने रुपीज़ का खर्चा होना चाहिए था, 30. फॉर वन यूनिट कॉस्ट शुड हैव बीन 30. और फिर देख लो सच्ची के अंदर कितना यूनिट्स बना, उसके हिसाब से ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़, और उसके बाद सिर्फ एक ही वेरिएंस आ जाएगा, फर्स्ट वाला वेरिएंस, टोटल वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स कॉस्ट वेरिएंस. तो आपको सारे वेरिएंसेस हर केस के अंदर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है. ऑनेस्टली निकाल भी दोगे इंस्टीट्यूट मार्क्स तो नहीं काटेगा, बट इट इज़ अ फ्रूटलेस एक्सरसाइज और कुछ नहीं है. ओके. सो गिवन अ चॉइस, अगर आप लोग यू वॉन्ट टू बी सेविंग से 30 seconds और समथिंग, तो अगर सामने ब्रेकअप करके रखा हुआ है फिर आप भी ब्रेकअप कीजिए, अगर सामने ब्रेकअप नहीं किया देन इवन यू डू नॉट रिक्वायर दैट पर्टिकुलर थिंग. ओके. नाउ दिस इज ऑल इट, इट वॉज अ स्मॉल वीडियो ऑन वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स. नेक्स्ट टाइम वी विल बी मीटिंग विद अ बिगर थिंग, दैट इज फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स. ओके. आई विल सी ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. बाई.